स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल WD में। चलिए शुरू करते हैं एक उदाहरण से। मैंने और मेरे एक दोस्त ने एक एक एकड़ में कपास की बिजाई की ड्रिप सिस्टम से एक जैसा बीज लगाया। मैंने अपनी फसल में DAP, SSP, मैग्नीशियम सल्फेट, यूरिया, सल्फर, बोरान, सल्फेट ऑफ पोटास, फॉस्फोरिक एसिड, अमोनियम सल्फेट डाली। 5 फॉयलर स्प्रे की कीटनाशक की फंगिसाइड की। उत्पादन हुआ 9 क्विंटल। मेरे दोस्त ने खाली DAP, यूरिया और जिंक सल्फेट डाली। 3 फॉयलर स्प्रे की कीटनाशक और फंगिसाइड की। उत्पादन हुआ 14 क्विंटल। फर्क कहाँ था? सिर्फ एक चीज़ निकली, मैंने जिंक सल्फेट नहीं डाली थी। मगर क्या खाली जिंक सल्फेट ने उत्पादन बढ़ा दिया? शायद ऐसा भी नहीं हो सकता। तो समझने की कोशिश करते हैं। पौधे को 4 तत्व वायुमंडल से मिलते हैं और 12 वेटल एलिमेंट्स और 18 सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रेंट ज़मीन से मिलते हैं। वायुमंडल से जो 4 तत्व मिले वो हर खेत में अलग अलग तो नहीं हो सकते। इसका मतलब फ़र्क पड़ा ज़मीन से मिलने वाले तत्वों से। अब ज़रा गौर कीजिएगा, हमारे खेत की पैदावार इस बात पर निर्भर करती है कि जिस तत्व की कमी है वो अगर नहीं डाला तो बाकी चाहे कितने भी बढ़ा के डाल दो, पैदावार नहीं बढ़ेगी। और जैसे ही हम उस तत्व की पूर्ति कर देंगे तो खेत की पैदावार इतना बढ़ेगी कि आप चौंक जाएंगे। निकल के आया ये कि मेरे दोस्त के खेत में जिंक सल्फेट की कमी थी और वही उसने 4 बार ड्रिप में डाल दी। नतीजा बम्पर पैदावार हुई। इसलिए हमारी पहली ज़रूरत है कि मिट्टी की जांच करवाइए, रिपोर्ट लीजिए और देखिए कि किस तत्व की सिफारिश रिपोर्ट में की गई है। नंबर 2, ज़मीन से जो 30 तत्व हमें चाहिए वो हमें पूरे करने हैं और किसान अलग अलग इन तत्वों को इकट्ठा नहीं कर पाता, इसलिए उसका सबसे बढ़िया ज़रिया है कंपोस्ट खाद, या नज़दीक में कहीं भी मुर्गा फार्म हैचरी हो तो वहाँ से जो खाद मिले वो भी बेहतरीन काम करती है। वो अपने खेत में डालिए और इन तत्वों की पूर्ति कीजिए। नंबर 3, अपने ट्यूबवेल के पानी की भी जाँच करवाइए और जो सिफारिश की गई हो उस पर अमल कीजिए। ये तीनों बातें उतनी ही सच हैं जितना कि सूरज पूर्व से उगता है ये सच है। अपनी लागत घटानी है और उत्पादन बढ़ाना है तो ये ज़रूरी है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर ज़िले के किसान के शब्द हैं, मुझे न रासायनिक से मतलब है न जैविक से। मैं लाखों रुपए खेती में लागत लगाता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ तो मुझे मुनाफा चाहिए। यही आखिरी बात निकलती है और सच भी है। मेहनत करते हैं तो मुनाफा चाहिए। इन 3 बातों पर अमल कीजिए, आपकी आधी से ज़्यादा समस्याएँ हल हो जाएंगी। वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जिनके ये काम आ सकता है। आप देख रहे थे WD।